मध्य प्रदेश भाजपा में इन दिनों चुनावों का माहौल है। अभी हाल ही में मंडल अध्यक्षों के चुनाव के बाद शनिवार को जिला अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं। जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा 1 या 2 दिसंबर को होने की उम्मीद है। भाजपा ने जिला अध्यक्षों की पूर्व में घोषित उम्र सीमा 50 से बढ़ाकर 55 कर दी है, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। मंडल अध्यक्ष के बाद बीजेपी में जिला अध्यक्ष के चुनाव शनिवार को संपन्न हुए, जिसके नतीजे रविवार या सोमवार को आने की उम्मीद है। हालांकि माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की हार आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए भाजपा के कई जिलाध्यक्षों की रवानगी होना तय है। साथ ही भाजपा के जिलाध्यक्षों को लेकर पूर्व में घोषित उम्र सीमा 50 से बढ़ाकर 55 कर दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे कुछ ऐसे लोगों को पद पर बनाए रखने की मंशा है जो काफी समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उम्र के कारण जिलाध्यक्ष बनने में दौड़ से बाहर हो रहे हैं। भाजपा के इस निर्णय को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है और कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, जो झूठ का पुलिंदा है, जबकि वास्तविकता में बीजेपी के पास नेताओं और कार्यकर्ताओं की कमी है, जिसके चलते भाजपा ने उम्र सीमा को बढ़ाया है। देखिए, जो पार्टी पाखंड करती हो, पाखंडी जिनकी राजनीति हो, जिनके पास मिस्ड कॉल से कार्यकर्ता बनाए जाते हो, जो किसी को भी फोन करके उससे मिस्ड कॉल कराते हो, वो पार्टी अगर चुनाव करा रही है तो एक पाखंड है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी युवाओं को मौका नहीं दिया अपनी पार्टी में, इसलिए उनको युवा लोग मिल नहीं रहे हैं। कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं और वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं। हमारी तो आधे से ज़्यादा कैबिनेट 40 साल से नीचे की है कमलनाथ जी की, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो है लोग नहीं मिल रहे हैं और उनका चुनाव नहीं है। वहाँ तो भाई भतीजा पट्टावाद चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, किंतु ये उनका आंतरिक मामला है। बहरहाल अब देखना होगा कि भाजपा संगठन के चुनावी नतीजे किस दिन आते हैं और इन चुनावों में बीजेपी के कितने जिला अध्यक्षों की छुट्टी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़, भोपाल।